ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो स्वयं के परिवर्तन का आधार है एक एक इंद्रियों पर शासन प्रमाण चलाना। क्योंकि ये जो पढ़ाई है परमात्मा पढ़ा रहे हैं, किसी लिए पढ़ा रहे हैं? सभी को राजा बनाने के लिए। तो राजा किसको किसको बनना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है राजा, लेकिन राजा कौन बनेगा? जिसने अपने इंद्रियों पर शासन किए हैं। जिसने इंद्रियों पर शासन नहीं किया, जो अधीन है वो अधिकारी नहीं बन सकते। हर इंद्रियों को श्रीमान प्रमाण चलाना, जिसकी इंद्रियां श्रीमान प्रमाण चलती है, लोग कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका अपने ऊपर शासन है, नहीं तो कहा होता है अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर राजा। इस नगरी का राजा सोए है, उस नगरी में चूचे हो रहे, कान चूचे सुन रहे, मुंह चूचे बोल रहे, आंखें चूचे देख रहे। अब जिसका स्वयं पर शासन नहीं है वो राजा नहीं बन सकता। राजा कौन बनेगा? दासी कौन बनेगी? साहूकार कौन बनेगा? सिस्टम है, कोई ज्ञान में चलता है। ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान किसी को सुनाता है। इंद्रियों के अधीन है वो, क्या बनेगी? दास दासी। दास दासी वो बनते हैं जो उदास करते हैं। उदास वो होते हैं जो जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है, जो इंद्रियों के अधीन है उसको खुशी नहीं होगी। भले परमात्मा पढ़ाता है, सत्युग में जा रहे, लेकिन खुशी नहीं होगी। क्यों? इंद्रियों के अधीन है। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाले बनते हैं। इसलिए इंद्रियों पर शासन करने की जरूरत है, कोई ज्ञान में चलते हैं। धन से सेवा कर रहे, ज्ञान दूसरे को सुना रहे, लेकिन इंद्रियों के अधीन है वो, क्या बनेंगे? साहूकार बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। क्यों साहूकार बने? संगम युग में धन से सेवा की थी, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया था, इसीलिए वो साहूकार बना, राजा नहीं बना। कोई ज्ञान में चलता है? धन से सेवा नहीं कर रहे, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुना रहे, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो अपने इंद्रियों पर शासन किए हैं, वो क्या बनेंगे? राजा तो बनेंगे, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों कंगाल राजा? क्योंकि धन से सेवा नहीं की थी, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया था। वो राजा तो बना, लेकिन कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, लेकिन उसके पास धन की कमी होगी। राजा है लेकिन धन नहीं है। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगा रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में है। मैं दासी हूं, दास दासी का हूं, साहूकार हूं या कंगाल राजा हूं, संपन्न राजा, आप इन्हीं चेक कर सकते हैं।
जिन्हें राजा बनने का पुरुषार्थ हो और राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। श्री स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य का राजा बनेगा। ऐसे नहीं कि जो माउंट आबू में रहते राजा बनेंगे, ये भी नहीं, जिन्होंने मम्मा पापा को देखा है वो राजा बनेंगे, ये भी नहीं है। कितना साल से आप ध्यान में चलते वो राजा बनेगा। राजा बनने का फॉर्मूला है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसीलिए अगर भविष्य में राजा बनना है, क्योंकि हम दास दासी बनने के लिए तो नहीं आए ना, आए कोई दास दासी बनने के लिए, सौकार बनने के लिए आए। क्या बनना है सबको? राजा बनना है राजा। लेकिन दास दासी क्यों बने? क्योंकि इंद्रियों के अधीन है। पानी के ऊपर अगर नौका चलेगी पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो राजा बनता है। जो इंद्रियों को चलाता है वो राजा बनता है, और जिसको इंद्रियां चलाती है वो डूब जाता है। इंद्रियां जिसको चलाते वो डूब जाता है, वो राजा नहीं बन सकता। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ करना है, और राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, जिसको ही पापा दूसरे शब्द में कहते हैं चाहे कि बिगड़ जाए वो।